गरुड़ को जिला बनाने की मांग को लेकर एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखने लगी है। क्षेत्र के विधायक देवीलाल धाकड़ ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री को इसको लेकर मांग पत्र लिखा। इस पत्र को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्व विभाग को भेजा है। पत्र के आधार पर राजस्व विभाग ने गरुड़ जिले की मांग संबंधित जानकारी ली जाएगी और इसी के आधार पर अगला कदम उठाया जाएगा। निश्चित ही गरुड़ एवं क्षेत्रवासियों के लिए ये राहत भरी खबर है। अब गरुड़ के जिला बनने की आस पूरी होती नजर आ रही है, लिहाजा अगर सब सही रहा तो जल्द ही गरुड़ को जिला बनने का गौरव प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से गरुड़ को जिला बनाने की मांग चली आ रही है। इसके चलते विधायक देवीलाल धाकड़ ने करीब 15 दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर उसे गरुड़ को जिला बनाने की मांग रखी थी और 2 दिन पहले ही विधायक धाकड़ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से अपनी मांग को दोहराया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विधायक का मांग पत्र राजस्व विभाग को भेजकर विभाग से जिले के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मांगी है। जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि 29 साल से गरुड़ को जिला बनाने की मांग की जा रही है। 1992 में इस मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ था। तब करीब 15 दिन तक नगर पूरी तरह से बंद रहा था और कर्फ्यू जैसे हालात बन गए थे। उसी समय जिला बनाओ कार्यकारिणी के सदस्यों और कई लोगों ने इस आंदोलन की परिणति के रूप में 16 साल तक न्यायालय में पेशियां की, क्योंकि उस समय उन पर कई मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे। तत्कालीन समय में कई लोगों को पुलिस की बर्बरता का सामना भी करना पड़ा था। अब देखना होगा कि मिशन 2023 से पहले भाजपा अपने गरुड़ के इस गढ़ को और मजबूत बनाने के लिए क्या जिले का दर्जा दे पाती है या फिर हर बार की तरह यह एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा। आपने गरुड़ जिला बनाओ को लेकर पिछले कुछ दिनों पहले एक लेटर दिया था और पूर्व में भी 2 दिन पहले आप सीएम साहब से मिल के आए हैं, क्या बात हुई गरुड़ जिला बनाओ को बनाने के लिए? गरुड़ जिले के बारे में हमारी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मैं जिलाध्यक्ष था उस समय से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और मैं विधायक बनने के बाद में भी मैंने बराबर पत्र भी दिया और मैंने व्यक्तिगत रूप से भी उनसे चर्चा की और उसका मुख्य आधार मैंने ये बताया है कि एक्चुअल में भानपुरा क्षेत्र के गांव से लगाकर मंदसौर की दूरी 150 किलोमीटर से अधिक पड़ती है और जिला स्तर के जो काम हैं उसके लिए मंदसौर जाना पड़ता है, कलेक्ट्रेट के काम से हैं या परिवहन विभाग के काम से हैं, तो उसके कारण गरुड़ ज़िले की घोषणा की जानी चाहिए। गरुड़ में और ज़िले के लिए पर्याप्त शासकीय भूमि है जहाँ शासकीय कार्यालय बन सकते हैं। स्टेट टाइम पर भी गरुड़ भानपुरा जिला रहा है, रामपुरा भानपुरा जिला रहा है और ऐसी स्थिति में यह जिले की घोषणा की जानी चाहिए, तो उन्होंने भी इसको थोड़ा सा गंभीरता से लिया। मैंने कहा कि मैं RTO के काम से ड्राइविंग लाइसेंस लोगों को बनाना, रिन्यूअल करना, उसके लिए मंदसौर जाना पड़ता है और वहाँ यदि कोई संबंधित यदि बाबू नहीं मिला तो फिर भटके मारना पड़ता है, आर्थिक दृष्टि से भी मार पड़ती है जनता के ऊपर और दूरी भी काफ़ी तय करना पड़ती है, तो उन्होंने गंभीरता से लिया और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी और परिवहन विभाग का ये RTO कार्यालय शायद गरुड़ में और व्यवस्था हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर उन्होंने पहले एडिशनल SP और अपर कलेक्टर ADM की पोस्ट यहाँ स्वीकृत की थी, पर बाद में कमलनाथ जी की सरकार के समय ये ADM की पोस्ट यहाँ और निरस्त कर दी गई है। मैंने फिर अभी निवेदन किया उनसे कि ये पद वापस सृजन किया जाए, एडिशनल SP तो ऑलरेडी यहाँ पदस्थ हैं परंतु ADM की पोस्ट भी यहाँ पर स्वीकृत की जाए ताकि कलेक्ट्रेट के कई काम जो है जो मंदसौर से होते हैं वो यहाँ पर होना शुरू हो जाए तो जनता को बड़ी राहत मिलेगी। तो लगातार मैं मानसिकता बना रहा हूँ और बाकी लोगों से भी मेरी हरदीप जी ढंग से भी बात हुई है, बाकी लोगों से भी सभी चर्चा में है। मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में गरुड़ ज़िला और निश्चित रूप से बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। KNN न्यूज़ के लिए गरुड़ से सत्यनारायण बैरागी की रिपोर्ट।